तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जुगाड़ू नर्सरी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मिट्टी को तैयार करने का सबसे आसान और देसी पावरफुल तरीका। तो हम अब आते हैं अपने कंटेंट की ओर। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने जितनी मात्रा में मिट्टी लिया है उतनी ही मात्रा में गोबर की खाद लिया है। और हाँ, ध्यान रखना है मिट्टी थोड़ी बालुई और गोबर काफी पुराना मतलब पूरी तरह सड़ा होना चाहिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब आपको मिट्टी से कंकड़ पत्थर या पन्नी या कूड़ा कुछ भी, उसे आपको निकाल देना है। तो आपको मिट्टी से पूरे अवांछित पदार्थ को निकाल देना है और मिट्टी को पूरी तरीके से साफ कर लेना है। इसी तरह आपको गोबर की खाद में भी देख लेना है। तो अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरी तरीके से। लेकिन आप मिट्टी को मिक्स तो अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद गलती करते हैं जब आप इस मिट्टी को अपने गमले में भर रहे होते हैं। तो मैं अब आपको गमले में मिट्टी भरने का सही तरीका दिखाता हूँ। तो आपने देखा होगा, जो लोग नर्सरी चलाते हैं उनके प्लांट काफी अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, वो भी मिट्टी ऐसे ही तैयार करते हैं। वो सारा कमाल उनकी केमिकल्स और खाद का होता है, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें हम लोग कौन से केमिकल्स और खाद का यूज करते हैं जिसके कारण हमारा प्लांट काफी अच्छे से ग्रो करता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जैसे मैं मिट्टी को मिक्स कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने भी बहुत से YouTube वीडियो देखे हैं, लेकिन कोई भी अपना सही तरीका या नॉलेज नहीं बताता है। तो मैंने ये नया चैनल बनाया है जिसमें आपको प्लांट से रिलेटेड हर एक वैल्यूएबल सही जानकारी आपको देता रहूंगा। तो अब आपको अपने गमले को ले लेना है और उसमें आपको जिस तरह कम्फर्टेबल लगे उस तरह छेद कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने गमले में छेद कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से कर लेना। तो अब आपको इस तरह की दो तीन गिट्टी ले लेना है जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। तो अब इनको जैसे मैं प्लेस कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी कर लेना है। आपको एग्जैक्ट ऐसे ही प्लेस कर लेना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि नीचे से एयर पास होती रहती है, जिसके कारण गमले में ज्यादा पानी नहीं रुक पाता है। ज्यादा पानी ही पेड़ों की जड़ को सड़ा देता है, जिसके कारण आपका पौधा मर जाता है। यही पूरा तरीका मैं आपको दोबारा सही से दिखा देता हूँ। यही गलती आप करते हैं जब आप गमले में डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं तो पानी गमले में भर जाता है, ज्यादा पानी पेड़ को ग्रो ही नहीं होने देता है। तो अब आपने जो मिट्टी तैयार की है उसे आपको अपने गमले में भर लेना है। तो मैं जो भी प्लांट से रिलेटेड तरीके आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीका होगा। अगर आपको प्लांट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरी इंस्टा आईडी पर आकर पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको प्लांट लगाने का तो बहुत शौक होता है लेकिन आपका प्लांट चलता ही नहीं है और आप निराश हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ काफी बार हो चुका है लेकिन अब नहीं होता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, 100% गारंटी है कि आपका पौधा नहीं मरेगा। अपने चैनल पर मैं कटिंग से रिलेटेड भी बहुत जुगाड़ू तरीका आपको बताऊंगा। तो गमले में आपको लगभग इतनी मिट्टी भर लेनी है जिससे कि पानी थोड़ी देर तक गमले में रुके और मिट्टी पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। गमले में कभी भी पानी भरा नहीं रहना चाहिए, केवल हल्की सी नमी होनी चाहिए। तो मैं अब आपको अपने प्लांट की गमले की मिट्टी को दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम ही है। देखिए, आप देख रहे होंगे जैसा कि बिल्कुल सेम। मेन कमाल होता है बाद में डालने जाने वाले केमिकल से जो प्लांट को फास्ट मोड में ग्रो होने की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरी विधि के साथ। तो इसी तरह के देसी जुगाड़ू तरीके आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल का सपोर्ट और सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि मैं और वैल्यूएबल वीडियो आपको देता रहूंगा। तो आप मेरे दूसरे प्लांट में देखिए, सेम ही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लांट से रिलेटेड मोस्ट अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।